दोस्तों, फिल्मों में आप लोगों ने गुंडों की एक ऐसी गैंग को देखा होगा जिससे हर कोई डरता है। हालांकि फिल्म वगैरह में तो ये सारी चीजें बनावटी होती हैं, लेकिन जानवरों की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि एक ऐसा जानवर भी इस दुनिया में मौजूद है जिससे लगभग हर तरह का जानवर डरता है, फिर चाहे वो मगरमच्छ हो या फिर सांप। हर किसी की हालत इस अनोखे जानवरों को देखकर खराब हो जाती है। अब वह कौन है और किस तरह वार करता है, उसके बारे में जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस जानवर को देखिए, जहाँ ये बड़े आराम से आता है और मगरमच्छ के झुंड के पास आराम से लेट जाता है। सिर्फ लेटता ही नहीं, बल्कि ये अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए मिट्टी में इधर उधर घूमने भी लगता है। और उसका एटीट्यूड तो देखकर ऐसा लग रहा है मानो इसे आसपास मौजूद खतरनाक जबड़ों वाले बड़े बड़े मगरमच्छ दिख ही नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये जानवर अंधा है या फिर इन्हें अनदेखा कर रहा है, क्योंकि इतने खतरनाक मगरमच्छों के पास जाकर आराम करना किसी और के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, चलिए मान लिया ये जानवर अंधा है, लेकिन मगरमच्छ तो अंधे नहीं है, उन्हें तो साफ साफ ये अकेला जानवर दिखाई दे रहा है और अगर ये चाहें तो मिलकर इसे चुटकियों में अपना भोजन बना सकते हैं। मगर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप मजबूत जबड़ों के साथ खतरनाक दांतों वाले इस मगरमच्छ पर ध्यान देंगे तो आपको स्क्रीन पर से ही इनके खतरे का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो इतने खतरनाक होने के बावजूद यहां पर बेचारे मगरमच्छ काफी लाचार हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये जानवर हम पर हमला करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। जी हाँ, आप जिस जानवर का शिकार होते हुए देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मगरमच्छ है, जिसे ये सभी मिलकर अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शिकार करने वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि ऑटर है, जिसे हमारी देसी भाषा में ऊद बिलाव भी कहते हैं। यही वो जानवर है जो किसी भी तरह के जानवर को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये परिवार नहीं बल्कि पूरे के पूरे गैंग के साथ रहते हैं और इनकी गैंग का हर एक मेंबर गजब का अग्रेसिव होता है। इनकी लगभग 13 प्रजातियां होती हैं और ये एक स्तनधारी जानवर है जो आपको ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में देखने को मिलेंगे। और इनकी सभी 13 प्रजातियों में जायंट ऑटर सबसे बड़े और खतरनाक होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके नाम के बाद किसी को खतरनाक लगने की भी कुछ जरूरत है, क्योंकि इनके नाम का दूसरा मतलब ही खतरनाक होता है। इनकी अधिकतर प्रजाति इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन जब बात जायंट ऑटर की आती है तो ये 1.7 मीटर तक के लेंथ तक हो सकते हैं, जहां इनका वजन 30 किलो के आसपास होता है। यहां तक कि इनकी पूंछ भी काफी ज्यादा मस्कुलर होती है और इनके अंदर स्ट्रेंथ की भी कोई कमी नहीं है। वैसे इनकी चीजों को सुनने और देखने की भी शक्ति कमाल की होती है। ऑल टोटल ये काफी बेहतरीन शिकारी है। वैसे दोस्तों, ये चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ऊद बिलाव काफी ज्यादा सोशल एनिमल है जो काफी बड़े ग्रुप में रहते हैं, जहां इनके ग्रुप में लगभग 20 से 25 मेंबर्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जो अपना हर काम लगभग साथ में ही करते हैं। और ये अपने ग्रुप मेंबर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे ये जानवर शिकार भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें अपने एरिया के आसपास जो कुछ भी खाने को मिल जाए ये बिना शर्माए उसे अपना भोजन बनाने में लग जाते हैं। फिर चाहे वो मछली हो, क्रैब्स हो, सांप हो, एनाकोंडा हो या फिर कोई मगरमच्छी क्यों ना हो। हालांकि मगरमच्छ तो इनसे दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि ये शिकारी जीव काफी तेज और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हमेशा अपनी टीम वर्क पर विश्वास करते हैं और अपने ग्रुप के हर मेंबर को शिकार करने का मौका देते हैं। वैसे मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर ऊद बिलाव के जबड़े भी किसी से कम नहीं है। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने शिकार को उसके मुंह की तरफ से खाना शुरू करते हैं, जिससे उनके जिंदा रहने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। और जब कुछ ऊद बिलाव फोटो खिंचवाने में मगन होते हैं तो वहीं दूसरे बंदर का शिकार करते हैं। सच में दोस्तों, ये जानवर बंदरों को पानी में डुबा कर मारने और अपना भोजन बनाने में बिल्कुल नहीं शर्माते। नमूना आपके सामने है कि कैसे इन्होंने एक बंदर पर झपट्टा मारा और उस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि दूसरा बंदर अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि इन जानवरों की पकड़ काफी मजबूत है और ये बंदर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। न्यूयॉर्क के जू में रिकॉर्ड की गई ये वीडियो वाकई में दिल को दहला देने वाली है। हालांकि ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली है कि ऑटर यानी कि ऊद बिलाव हर तरह के जानवर पर हमला क्यों करते हैं, क्योंकि अधिकतर जानवर बिना मतलब के किसी भी जानवर पर वार नहीं करते, लेकिन इन जानवरों को तो सामने वाले जानवर से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बस हमला करने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं मानो कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हो, जहां अगर ये हमला नहीं करेंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। वैसे अगर बंदरों पर हमला करते देख आपको ऐसा लग रहा है कि ये केवल अपने से कमजोर और छोटे जानवरों पर हमला करते हैं, तो दोस्तों जैगुआर का क्या ख्याल है? जी हाँ, ये दृश्य वाकई में हंसने वाला है, क्योंकि सबको डरा कर रखने वाले जानवर भी इनसे भयानक तरीके से डरते हैं। ये जैगुआर तो पानी में प्यास बुझाने के लिए आया था, पर इसे क्या पता था कि ऊद बिलाव की पूरी गैंग ही यहाँ अपना बसेरा बनाकर बैठी है।
वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल लोग जायंट ऑटर को वाटर जैगुआर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इतने सालों के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा पाया गया है कि जैगुआर ने ऊंट बिलाव को मारा हो, वरना हर बार ही जैगुआर ही इनका भोजन बनते हैं। वैसे अगर इनके परिवार की बात करें तो जायंट ऑटर या तो बड़ी सी फैमिली में रहते हैं, या फिर ये लोग चार इंडिविजुअल के ग्रुप में रहते हैं, जिसमें एक अल्फा फीमेल होती है जो सबसे बड़ी मुखिया होती है, और यही अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए निर्णय लेती है कि कब किसको अटैक करना है, कब कौन डिफेंस करेगा। यहाँ तक कि अपने पूरे ग्रुप की रक्षा करना भी इन्हीं का काम होता है, और ग्रुप के इन मेल मेंबर्स का काम आपस के एरिया में निगरानी रखना होता है ताकि कोई भी अनजान इनके इलाके में ना आ सके। और जो शुरुआत में हमने आपको मगरमच्छ पर हमला होते हुए दिखाया था, वो इसलिए उस पर हुआ था क्योंकि उसने इनके इलाके में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद का नजारा तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, ये सब देखने के बाद ऐसा मत सोच बैठिएगा कि ऊंट बिलाव खाली इस तरह के जानवर पर ही हमला करते हैं, क्योंकि ये हम इंसानों को भी नहीं छोड़ते, और ये चाहे जितने भी छोटे और अकेले क्यों ना हो, इनसे पंगा लेना मतलब अपनी बैंड बजवाने के बराबर है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्होंने इंसान तक को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जैसे कि आप इस लड़की को ही देख लीजिए, जब इस लड़की के डॉग पर ऑटर ने हमला किया तो 17 साल की ये लड़की तुरंत उसे बचाने पहुंची, परंतु उसे बचाने के चक्कर में ऑटर ने इस लड़की पर भी हमला शुरू कर दिया। वो तो ऐन वक्त पर उसकी माँ ने आकर उसे बचा लिया और कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया, वरना आप सोचिए अगर इन खतरनाक जानवरों का पूरा ग्रुप ही हमला करने आता तो नतीजा काफी बुरा हो सकता था। दोस्तों, मगर ऐसा भी नहीं है कि ऑटर हमेशा ही झुंड में वार करते हैं, कभी कभी अकेले भी ये अपने दुश्मन को चारों खाने चित करने में सफल हो जाते हैं, खास करके जब बात कछुए वगैरह जैसे जीवों की हो, क्योंकि जब लड़ाई जायंट टर्टल और जायंट ऑटर की होती है तो लड़ाई देखने में आपको बड़ा ही मजा आएगा, लेकिन उसका परिणाम आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि कछुआ चाहे जितना भी विशालकाय क्यों ना हो, अपने मजबूत जबड़ों के साथ अपने शिकार पर झपट्टा मारने वाले इन शिकारी जानवरों के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। दोस्तों, जब शुरुआत में मैंने एनाकोंडा का नाम लिया था तो मैं उस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वाकई में जायंट ऑटर इनका शिकार करते हैं, वो भी इतने भयानक तरीके से कि आप उसे भी देख सकते हैं। हालांकि एनाकोंडा अपनी तरफ से लड़ाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी जानवरों के सामने उनकी एक भी नहीं चलती। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे जायंट ऑटर इंसान से लेकर मगरमच्छ तक सबको अपने व्यंजन में शामिल कर चुके हैं, पर एक जानवर ऐसा भी है जिसके बारे में बात करना ही रह गया है। जी हाँ, हम गूस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन जायंट ऑटर का सबसे मनपसंद स्नैक गूस ही है, जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल तक बाकी जानवरों को अपना शिकार बनाने में सक्षम है। वो बात अलग है कि इन्हें मारने के लिए हाइना वगैरह का पूरा झुंड इनके खिलाफ बगावत छेड़ दे और इनको मारना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें हरा पाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि आपको इनसे बड़ा ग्रुप बनाना होगा और फिर इन पर हमला करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे ये पूरी छानबीन करके हमला करते हैं, वरना तो जानवरों के इस गैंग से निपट पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको ये जानवर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।